हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले, ताकि नई वीडियो आती है आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हो, क्या एकदम सही देख रहे हो आप लोग? IPL का टिकट आ चुका है, वही आप लोग को हम IPL 2023 का टिकट आ चुका है, वही आप लोग को आज हम इस वीडियो में सिखाने वाले हैं किस तरह से आप बुक कर सकते हो। और यदि आप भी देखना चाहते हो स्टेडियम में जाके, तो आप किस ऐप से IPL का टिकट बुक करके जा सकते हो देखने, एकदम शुरू से लेके लास्ट तक एकदम एक एक स्टेप आप लोग बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत कोई को नहीं पता है कि IPL का टिकट कहाँ से बुक करते हैं। कोई कोई जाना भी चाहते हैं, पैसे भी होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कहाँ से जाते हैं। कोई कोई क्या होता है, ऐसे डायरेक्टली चल जाते हैं स्टेडियम और जब जाते हैं तो घूम के आते हैं। तो ऐसा आप लोग नहीं हो, एकदम आप जब घर से निकलो एकदम कॉन्फिडेंस हो आपका कि मेरा टिकट कन्फर्म हो चुका है और हम जा रहे हैं, एकदम हम लोग को देखने को मिलेगा, तभी आप निकलो। आप लोग को बताएंगे आप कहाँ से टिकट बुक कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या जाना, प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आ जाना, आपको जहाँ भी आपका प्ले स्टोर है आ जाओगे आप। प्ले स्टोर आते ही आप लोग को एक एप्लीकेशन मिलेगा, ठीक है? आपको वो इंस्टॉल कर लेना, ठीक है? बुक माई शो ये एप्लीकेशन है, देख पा रहे हो यहाँ पे मेरा इंस्टॉल है, अपडेट का मांग रहा, ठीक है? तो आप इंस्टॉल कर लेना ये एप्लीकेशन, ठीक है? जैसे ही आप इसे इंस्टॉल कर लोगे, इसके बाद आपको इंस्टॉल करने के बाद आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? जहाँ पे ये एप्लीकेशन मिलेगा आप वहाँ पे चल जाना आप लोग। जब चल जाओगे आप लोग, जब खोलोगे इस तरह का इंटरफेस, मतलब इसके बाद यदि फर्स्ट टाइम आप यूज़र होगे, फर्स्ट टाइम यूज़र, तो उसमें आपको नाम नंबर या कुछ रजिस्ट्रेशन देके आपको उसको ओपन कर लेना, ठीक है? जैसे ही आप उसको ओपन कर लोगे इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है? यहाँ पे ये देख पा रहे हो साइट तरह का कोना पे, यहाँ देख पा रहे हो आप लोग यहाँ पे कलकत्ता जहाँ दिख रहा है, यहाँ पे एक लोकेशन जैसा आएगा आपके पास, आपको जहाँ का टिकट चाहिए। ये चीज़, ये बहुत ही अच्छा चीज़ समझने वाला चीज़ है। आपको जोन एरिया में, मतलब जोन स्टेडियम में आपका मैच है, ठीक है? जैसे कि मेरे एरिया में सामने पड़ता है कलकत्ता ईडन गार्डन। आप लोग को ये पता होना चाहिए आपके एरिया में कौन सा सामने आप लोग का स्टेडियम होना होता है, ठीक है? तो वहीं आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मेरे यहाँ पे कोलकाता पड़ता है, इसलिए मैं हम कोलकाता सेलेक्ट करके रखे हैं। यदि आपके एरिया में मुंबई पड़ता है, मुंबई करोगे आप। पहला गेम जो है हम लोग का है 31 मार्च को, ठीक है? वो अहमदाबाद में है। कहाँ पर? अहमदाबाद में, ये देख पा रहे हो अहमदाबाद, यहाँ आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो पहला मैच के लिए, ठीक है? अहमदाबाद, ठीक है? तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है? लोकेशन चेंज, तो फिलहाल हम उसको कलकत्ता रखते हैं, ठीक है? क्योंकि हम कलकत्ता के निवासी है। तो अब जैसे ही आप ये खोल लोगे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको देख पा रहे हो एक ऑप्शन मिलेगा IPL 2023। पहले लोकेशन आप जरूर चॉइस कर लो, क्योंकि उसी लोकेशन के हिसाब से वो लोग मैच का दिखाता है, ठीक है? तो आप यहाँ देख पा रहे हो आ जाएगा IPL। ये पहले नहीं था, अभी ये हाल आज ही में ऐड हुआ, ठीक है? आप इसको क्लिक कर लोगे आप, तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ चार स्टेडियम दिखेगा, ठीक है? और यहाँ पर देखो पॉपुलर IPL मैचेस का यहाँ पर खुला ऑप्शन, ठीक है? तो जब हम इस पर सी मोर पे क्लिक किए, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहा है क्या दिख रहा है, देखो अब 5 अप्रैल, ठीक है? तो कहने का मतलब यहाँ पे हम जितना भी अभी हम सर्च मारे कि जितना भी यहाँ मैच का लिस्ट आया टोटल 5 अप्रैल के बाद आया है, ठीक है? क्यों, उसे पीछे वाला सब अभी तक की अपडेट नहीं हुआ ना, क्या कारण नहीं बता पा रहे, बट अभी जितना भी वो दिए हैं 5 अप्रैल के बाद वाला मैच दिया है, ठीक है? वो भी शायद धीरे धीरे अपडेट कर देगा। तो फिलहाल ये पॉपुलर मैच जो है वही सब अभी तक दिया हुआ है, ठीक है? तो आप ये सब में जितना आप देख लो, आप ओपन करके आके देख लेना आपको कौन कौन मैच, यदि आप उनमें से जाने चाहते हो ये सब मैच में, तो आप देख सकते हो। इसके अलावा अभी सब खुला नहीं है, अभी पूरा खुला नहीं है, अभी कुछ मैच मतलब पॉपुलर मैच, ठीक है, मतलब फेमस मैच सब खुला है, ठीक है? तो वो सब आप कर सकते हो। तो आप लोग को बताना है किस तरह से बुक करना, ठीक है? तो और ऐसे जैसे कि हम अभी लोकेशन मारे हैं ना कलकत्ता, यदि हम कलकत्ता मारते तो ऑटोमेटिक कलकत्ता का मैच आता है, बट ऐसा नहीं है, अभी सब आ जा रहा, ठीक है? अभी सब आ जा रहा, क्या आ जा रहा, अभी सब आ जा रहा। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको जो मैच देखना है आप लोगों को समझाने के लिए हम करते हैं, ठीक है? जैसे कि मुझे समझ लो, ये देख पा रहे हो आप लोग, रॉयल चैलेंजर्स सॉरी राजस्थान रॉयल वेस्ट पंजाब किंग का मैच है, ठीक है? कब है? 5 अप्रैल को है, ठीक है? ये चल रहा है, ठीक है? तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, देख पा रहे हो इस तरह से खुलेगा आपको। आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपका दिखेगा बुकिंग डेट, ठीक है, 5 अप्रैल 2:30 बजे है, ये स्टेडियम का नाम है, ठीक है? ये कहाँ पर? गुवाहाटी पे है मैच, ठीक है? यहाँ पर आप सिंपली जाओगे, यहाँ पर बुक का ऑप्शन पर जाओगे, ठीक है? यहाँ पे आप देख कितना सीट आपको चाहिए, आप वो सेलेक्ट कर लो। जैसे कि मुझे 4 चाहिए तो 4 सेलेक्ट करो, 2 चाहिए 2 सेलेक्ट कर लोगे, जितना आपको चाहिए तो आप जैसे कि 2 सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जितना प्राइजिंग चल रहा है आप देख सकते हो, देखो शुरुआत कितना है, कम से कम 1200-2500, ये सब सोल्ड आउट, सब बिक चुका है, ठीक है? ये देखो अभी अवेलेबल कितना देखा, 1600 में दिखा रहा है, 4000 में दिखा रहा है आपको, देखो इतना तक आप लोग का हाई चलता है, ठीक है? 1600 है, 5000 है, 3000, जो आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है? तो जैसे कि 1600 वाला हम देखते हैं, क्योंकि सब कम से कम से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, देखो 1600 वाले में क्या, ये पिंक वाला एरो ब्लू कर रहा है, ठीक है? तो पिंक वाला मतलब समझ रहे हो, ये पीछे वाला,
दो सीट हम लिए, देखते हैं यहाँ पे डालते हैं तो क्या आता है। देखो यहाँ मेरा सिलेक्ट ले लिया, दो हम यहाँ ले लिए, देखो दो सीट। हाँ ले लिया, देखो अब वो ऑटोमेटिक अब सेलेक्ट वो हो चुका है। अब इसमें बुक कर दोगे, देखो ये देखना, ये स्टेडियम का इधर साइड होगा, ठीक है। देखो मेरा यहाँ पे जब से हम सेलेक्ट किए यहाँ पे, यहाँ देखो देखो आपको दिखाते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे सेलेक्ट किए मेरा यहाँ पे देखो आ चुका है। क्या मिला है, I 274 275। देखो ये स्टेडियम इधर मेरा विकेट कीपर रहेगा इधर, तो ये सीधा टाइप से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप ऐसे जैसे आपको जिस तरह का चाहिए आप देख लेना करोगे, इसके बाद बुक ना पे कर दोगे इस तरह से। इसके बाद देख पा रहे हो आपको यहाँ पिन कोड मांग रहा है, ठीक है, होम डिलीवरी पिन कोड। आप पिन कोड लिख दोगे इस तरह से, देखते हैं ये पिन कोड कितने ले रहा है। और टिकट का पिकअप फॉर्म बॉक्स, पिकअप फॉर्म बॉक्स ऑफिस, ठीक है। स्टेट आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, आपका जो स्टेट सेलेक्ट कर लेना। और यहाँ पे देखो होम डिलीवरी नहीं ले रहा, तो आप लोग यही सेलेक्ट कर रखना, ठीक है, पिकअप फॉर्म बॉक्स ऑफिस यही वाला सेलेक्ट करना, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, पिकअप एड्रेस बिल कम्युनिटी वे ईमेल और शॉर्टली, ठीक है, ईमेल पे दे देगा वो लोग, ठीक है, ईमेल पे दे देगा। इसके बाद देखो यहाँ लिखा हुआ, कस्टमर विल रिसीव योर ऑर्डर कंफर्मेशन वाई ईमेल विच मस्ट बी एन इन पिकअप काउंटर, मतलब वो जब आप जाओगे वहाँ काउंटर पे वो आपको टिकट दे देगा, ठीक है। कैश होल्डर शुड बी प्रेजेंट, ठीक है, आप लोग देख लेना, ठीक है। बस इसके बाद आपको सेलेक्ट करके यहाँ प्रोसीड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर मेल आई डी और फ़ोन नंबर दोगे, आप मेल आई डी मेरा दे दोगे, यहाँ फ़ोन नंबर दे दोगे, यहाँ अपडेट कर दोगे इसे। जैसे ही आप करोगे देखो दो टिकट मेरा हुआ है, यहाँ 3421 रुपया हुआ है। इसके बाद आपको जिस तरह से UPI डेबिट कार्ड जिस तरह से आप पेमेंट कर लोगे, आपका मेल में आपको टिकट भेज देगा, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप लोग को कोई डाउट हो तो मुझे कॉमेंट्स कर सकते हो। इसके अलावा जब वो पूरा खुलेगा तो भी आप लोग को हम एक वीडियो बनाएंगे एकदम स्पेशल से, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो अभी फ़िलहाल आप लोग को समझने के लिए, आप लोग को पता जानकारी हो कि आ चुका है, आप लोग यदि ये मैचेस में से यदि आप लोग को जाना हो तो आप बुक कर सकते हो, ठीक है। यदि पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद।